he will not appear before the Honorable High Court. कि आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड अप्रोच देयर, आपको वहां पहुंचना चाहिए। बात क्या है, मैं बड़ी साफ तौर पर, मैं लोगों से तो जुड़ा हुआ हूँ, समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे लिए समाज पहले है, वकालत बाद में है, फिर परिवार है। लोगों के लिए परिवार पहले होता है, फिर वकालत होती है, फिर समाज होता है। हमारी थोड़ी सी उल्टी विचारधारा चल पड़ी तो चल पड़ी, पहले समाज है, फिर वकालत है, फिर परिवार है। तो अब समाज से जुड़े होने की वजह से कई मामलों में इस बात को कहना पड़ता है कि मैं इतने वर्षों से इन्हें जानता हूँ और जानता होता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, गलत नहीं कहता हूँ, जानता होता हूँ। तो अंडरवर्ल्ड सुप्रीम कोर्ट के कई बार ऐसे कमेंट्स होते हैं, व्हाई विल नॉट अपीयर अप्रोच बिफोर द हाई कोर्ट, अंडरवर्ल्ड हाई कोर्ट में आप क्यों नहीं गए, आपको जाना चाहिए था इस डिसीजन से पहले, ये बातें जो आप यहाँ रख रहे हैं वो पहले आप रख सकते थे, वहां रखनी चाहिए थी। तो अब अवसर है, समय है, अपने लोग हैं, अपने गृह प्रदेश के लोग हैं, भावनात्मक जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षा के बिना जीवन व्यक्ति का अधूरा है। आज मैं अगर हूं तो शिक्षा की वजह से हूं, आज अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो वो इन्हीं शिक्षकों की वजह से हैं, आज अगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो इन्हीं शिक्षक कैसे अनुदेशकों की वजह से हैं। किसी ने तो पढ़ाया है हमें, किसी ने तो सिखाया है, ये भी बनाना चाहते हैं, ये भी बनाना चाहते हैं, हमारे देश की नींव को मजबूत करना चाहते हैं, और ये तो ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम को पढ़ाते हैं, इनके पास कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र नहीं आते हैं, इनके पास मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में जाने वाले छात्र और उनके परिवार, उनके माता पिता नहीं आते हैं। ये सच्ची नींव है, ये गांधी